सुशांत सिंह राजपूत की कुछ और चैट्स सामने आई है। ये चैट्स 2018 की है और इन चैट्स को पढ़कर यही लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में बातचीत करने वाला या उनके साथ बैठने वाला इंसान वही हो सकता है जो गजब की नॉलेज रखता हो। उनकी बातें बिल्कुल डिफरेंट थी, वो ऐसे ही टाइम पास वाली बातें नहीं करते थे। नॉलेज, आगे क्या करना है, फिक्शन, इन सब चीजों की बातें करते थे। इसी चैट के स्क्रीनशॉट्स आप सुशांत सिंह राजपूत के यूएस वाले जीजू श्वेता कीर्ति के हस्बैंड विशाल कीर्ति ने शेयर किए हैं। इस चैट में कुछ किताबों को लेकर बातचीत हो रही है। अप्रैल 14, 2018 की ये चैट है जिसमें विशाल कीर्ति लिखते हैं कि अभी जस्ट ट्विटर पर देखा कि तुम जेपी के काम को पढ़ रहे हो, मैं भी जेपी का बहुत बड़ा फैन हूँ। विशाल कीर्ति ने ये चैट शेयर करते हुए लिखा है कि मैं सुशांत की यादों के रूप में उनके साथ हुई ये इंटेलेक्चुअल चैट शेयर करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि वो कितने नॉलेज वाले इंसान थे। इसमें कुछ किताबों की बातें हैं, कुछ वीडियोस की बातें हैं जो विशाल कीर्ति और सुशांत सिंह राजपूत ने आपस में एक्सचेंज की और कहा कि हाँ आगे जाकर मैं ये पढ़ने वाला हूँ। इन चैट में कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र है जिससे ये पता चलता है कि उनका IQ लेवल और उनका थिंकिंग लेवल कितना ऊंचा था। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, मशीन लर्निंग, गेम थ्योरी, इन शब्दों का जिक्र इन चैट्स के अंदर है। इन चैट्स को शेयर करते हुए विशाल कीर्ति ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को नॉन फिक्शन चीजों से बहुत ज्यादा प्यार था, इन बातों से, नॉन फिक्शन किताबों से बहुत ज्यादा प्यार था। सुशांत सिंह राजपूत के पावना वाले फार्म हाउस से जो नोट्स मिले थे वो इन्हीं किताबों को लेकर, इन्हीं थ्योरीज को लेकर थे। विशाल कीर्ति ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को रीडिंग और नॉलेज गेन करने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपनी बहन श्वेता से भी किताबों के बारे में बात करते थे। हालांकि सबके इंटरेस्ट अलग थे लेकिन इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन काफी ज्यादा रहता था। इन शब्दों से, इन बातों से पता चलता है कि वो इंजीनियरिंग छोड़कर आ गए थे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, लेकिन उनका रीडिंग का शौक अभी तक नहीं गया था। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की जितनी भी लाइफ की बातें देखी जाए, समझी जाए, उससे ये समझ आता है कि वो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल बातें करते थे। उस शख्स को उन लोगों ने जिनके साथ वो पिछले कुछ समय में थे उन्होंने डिप्रेस कहा, बाइपोलर कहा, मेंटली इल कहा। अब आप ही बताइए कि कोई मेंटली इल बंदा इतनी हाई टेक बातें करेगा, इतनी नॉलेज वाली बातें करेगा? इससे ये साफ जाहिर होता है कि मेंटली इल वो लोग थे जो सुशांत के साथ थे, लो IQ, लो इंटेलेक्चुअल लेवल वाले लोग। शायद इसीलिए उन्हें सुशांत की बातें समझ नहीं आई और उन्होंने कह दिया कि इसका तो दिमाग ठीक नहीं है।